यार लेकिन डर लग रहा है मेरे कहीं ऐसे अटैक ना कर दे गाइस, ये बहुत डेंजर होती है। ये तो मैंने हाथ पे ना इसको कपड़ा लपेट के अच्छी तरीके से, तो और ईगल देखो मेरे को अटैक कर रही है। ये देखो आसमान पे दिखाऊं गाइस, ये जिसका भी कबूतर होगा उसने बचपन में इसके देखे पाँव में एक चूड़ी डाली होगी, ये अभी तक जो है ना इसने पहनी हुई, और ये रबड़ की चूड़ी है, रबड़ की। चलो इसके भी पर खोल देते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम और करम करने वाला है। गाइस आज हमारा एक चीज का प्लान है, वो क्या प्लान है गाइस, आज हमारी ईगल को हम लोग हैंड टेम करने वाले हैं। भाई हैंड पे बिठा के चेक करते हैं क्या ये हैंड टेम हो पाती है या नहीं हो पाती है, लेकिन उससे पहले खाना भी अभी खा कर आया हूँ। और गाइस ये वाली चुटिया थोड़ी सी इग्नोर कर दिएगा मेरी, क्योंकि यार अभी अभी ना मैंने कल शैम्पू करे ना, तो सारे मुंह पे आने से बाल बेहतर है कि बंदा एक छोटी सी पोनी बना दे, वरना मैं खुद सोचता था कि लोग यार ये क्या करते हैं पोनी क्यों बनाते हैं, लेकिन अब मुझे वजह पता चल गई। बहरहाल अभी चलो फिलहाल चाय पी के और पापड़ खा के फिर इसको हैंड टेम करने की कोशिश करते हैं। इसको तो छोड़ो, खाना खिला दिया आपने इसको? हाँ। इसका पेट भरा हुआ है, क्या खिलाया है? बाजरा खिला दिया। चलो सही है, लाओ यार चाय पीते हैं पहले। एक लेंडी कबूतर बैठा हुआ है सामने उस टंकी पे बैठा हुआ यार, इधर ये चेक करो यार, ये दिखा आपको यहाँ पे कबूतर, घाघरा है लेकिन है लड्डा कबूतर। चले गाइस फटाफट इसको निकालने की कोशिश करते हैं और हाथ पे हैंड टेम करने की कोशिश करते हैं। आओ गाइस, माशाल्लाह से काफी देर के बाद ना ये भाई हाथ पे हमारे आराम से ठहर गई है, और ये देखें बैठी हुई है बिल्कुल, इसके मैंने पाँव भी नहीं पकड़े हैं, बिल्कुल छोड़े हुए हैं। देखें यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, लेकिन मुझे डर लग रहा है उंगली से कहीं दिखाऊं तो काट ना ले, ये पाँव मैंने इसके बिल्कुल छोड़े हुए हैं, लेकिन ये आराम से सुकून से हाथ पे बैठी हुई है। भाई मेरे डर रही है, थोड़ा थोड़ा घबरा रही है। गाइस माशाल्लाह से हाथ पे बिल्कुल मेरे ठहर गई है, सुकून से रुक गई है। अब इसको देखो फील हो रहा है कि यार ये कुछ कर नहीं रहे, जब ही ना हाथ पे देखो सुकून से बैठ गई है माशाल्लाह से। यार लेकिन डर लग रहा है मेरे कहीं ऐसे अटैक ना कर दे गाइस, ये बहुत डेंजर होती है। ये तो मैंने हाथ पे ना इसको कपड़ा लपेट के अच्छी तरीके से। गाइस मैं अपनी ईगल को फौरन छोड़ रहा हूँ नीचे, क्योंकि मैं हाथ पे बिठा रहा हूँ ना, तो और ईगल देखो मेरे को अटैक कर रही है। ये देखो आसमान पे दिखाऊं, हर तरफ देखो आसमान पे ईगल ईगल आ गई, और यकीन करे मेरे यूं करके सर के पास से गई है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया भाई उसको। हाथ पे मैं बिठाने के ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ईगल अटैक कर रही है, तो इस वजह से छोड़ दिया मैंने उसको। यार ये देखो यार हर तरफ चील चील आ गई है, ये देख रहे हैं आप, सारी अटैक करने के लिए आई थी अभी मेरे पे। वो समझ रही है कि मैंने ना इसको पकड़ा हुआ है, हालांकि मैंने ऐसे यूं हाथ पे बिठाया हुआ है सिंपल, और मैं उसको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ करने नहीं दे रही यहाँ की ईगल, उल्टा मुझे मार रही है, इस वजह से भाई मैंने उसको अभी फिलहाल छोड़ दिया। नहीं ऐसे नहीं सेट कर सकते यार उसको। आ आ हटो, ये कितने कबूतर हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यार एक आध कबूतर कम लग रहा है मेरे को, और कबूतर कहाँ है, कोई भागा है क्या? अबे ये तो उतारूं कसम से यार, ईगल को हाथ पे बिठाने के लिए देखो चेक करो, फटी हुई चड्डी पहननी पड़ गई यार। ये देखो ये फाजिल की है। अच्छा तुम्हारी नहीं है तुम्हारी नहीं है, ये किसकी है, किसकी है? मेरी नहीं है। हाँ इसकी है गाइस, इसकी है, इसकी है। किसकी है? आपकी है। ओए झूठ बोल रहा गाइस, इसकी है। गाइस ये चेक करें, हमारा एक सब्सक्राइबर मिले, बोल रहा अली भाई मेरे को भी ले लें व्लॉग में। क्या लाए हो? अंडे वाला बर्गर। फाजिल कह रहा है कि मैंने इसको गोद में लिया हुआ, अली भाई आप मेरी तस्वीर तो उतारे। चलो भाई ले लिया भाई, सही है। वो देखो कितने छोटे मुन्ने की तरह गोद में लिया हुआ है यार। गाइस चले फाइनली कबूतरों को दाना पीने का टाइम हो चुका है भाई, फटाफट इनको दाना वाना डालते हैं। और मैं सोच रहा हूँ वो जो नया वाला कलसीरा था ना उसको भी खोल देते हैं यार। खोल दो। हाँ टाइम हो गया, टाइम हो गया यार, मतलब उसको ना तकरीबन यहाँ पे आए हुए 2-3 दिन तो हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ उस कबूतर को भी खोल देते हैं इनके साथ ही। अरे कहीं नहीं आएगा, खोल दे, आओ ट्रेन हो गया होगा यार, आओ हम पंजे दिखाना रही इसके। गाइस ये जिसका भी कबूतर होगा उसने बचपन में इसके देखे पाँव में एक चूड़ी डाली होगी, ये अभी तक जो है ना इसने पहनी हुई, और ये रबड़ की चूड़ी है, रबड़ की। चलो इसके भी पर खोल देते हैं, ये बस हम लोग ना इसके टेप लगा देते हैं हल्का सा। गाइस ये देखें हमने इसके पर बिल्कुल खोल दिए, इसके बस ना यहाँ पे पर पे टेप लगा हुआ था, टेप हटा दिया बिल्कुल, और देखें उड़ रहा होगा। आ आ आ चलो भाई अब देखते हैं कि ये उड़ता है या ये भी भाग जाता है, कुछ पता नहीं चलता यार कौन सा कबूतर रुके कौन सा नहीं रुके, लेकिन मैं जो भी कबूतर लेकर आता हूँ ना ऐसे ही खोल देता हूँ, भाग जाए तो भाग जाए। आ आओ आओ आओ
वो देखो उसको अलग पता चल गया कि मेरे पर खुल गए, ये भी अलग अलग है। हाँ आओ आओ। तो भागने वाला कबूतर होगा ना, उसको आप 2 साल भी अपने साथ रखोगे और फिर उसको आजाद करोगे ना, वो तब भी भाग जाएगा। तो इस वजह से मैं कैद करता ही नहीं हूँ, जो भी कबूतर लेकर आता हूँ छोड़ देता हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन रोकता हूँ मैं, 1-2 दिन इनफ, खोल देता हूँ। आ आ, अब देखो इसको फटाफट ऊपर बिठाते हैं। वो देखो बाहर निकल के खड़ा हुआ है। आओ बाहर, क्या कर रहे हो? चलो भाई चलो, ऊपर बैठो ऊपर बैठो ऊपर बैठो। अबे ये ऊपर ही नहीं बैठ रहा यार। अबे रहने रहने, छत का देख टुनारी हो गया। गाइस ये कबूतर छत का इतना पक्का हो गया कि इसको उड़ा रहे हैं तो घूम के छत पर ही बैठ रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है। यार काबलियों की नजर ना बहुत पक्की होती है, बहुत पक्की होती है। आप लोग जो भी कबूतर पालते हैं उनको भी पता होगा कि गोले और काबली में भाई काबली बहुत बहुत पक्की नजर के होते हैं। आ आ, कहाँ गया कल सिरा? अबे ये कौन सा बैठा हुआ है? वही है तो इसके चूड़ी गाय गाइज ऊपर जाके बैठ गया खुद ब खुद। आ आ आ गाइज देखे खुद ब खुद ऊपर जाके बैठ गया। आ आ आ, अरे उतारने की कोशिश कर यार इसको। अब दो हमारे कबूतर भी ऊपर जाके बैठ गए, अब उनके साथ शायद आ जाएगा। आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। इसका मतलब अब ये माशाल्लाह से टुनारी हो चुका है, छत का तो पक्का हो चुका है भाई ये फुल। ले भाई फाइनली इसको अंदर कर देते हैं सारे के सारे कबूतरों को। चलो जाओ, चलो गया। गाइस चले फटाफट रैबिट को खाना दे देते हैं। ओह चलो भाई ये डाल देते हैं रैबिट को, देख रहे हैं शौक से खा रहा है। तो गाइस ये चेक करें, हमारे टर्टल यहाँ से बैठ के वो वहाँ पे फिल्म देख रहा है भाई। फिर जब ना इसको पानी के अंदर जाना होता है तो ये यहाँ से ऐसे यूं जंप लगाता है, अंदर चला जाता है। सो गाइस फाइनली सबके सबको खाना पीना हमने दे दिया है, और अभी मैंने एक अपने वाले चैनल सैयद अली व्लॉग्स पे वीडियो अपलोड किए, आप लोग वो जाके देखें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। सैयद अली व्लॉग्स पे मैं फैमिली व्लॉग्स डालता हूँ, और इस सैयद अली शॉर्ट्स पे पेट्स व्लॉग डालता हूँ। और गाइस जिसने व्लॉग हमारा यहाँ तक देखा है, मैं एक स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, वो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं, उससे मुझे ये पता चलता है कि हमारी वीडियो कौन कौन एंड तक देखता है। सो गाइस आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।